जय हिंद। मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम यूडाइस डाटा 2020-21 की ऑनलाइन जानकारी भर रहे होते हैं तो ऐसे में हमें कई बार 2019-20 के डाटा की जानकारी भरनी पड़ती है। ऐसे में 2019-20 के भरे हुए यूडाइस डाटा की आवश्यकता हमें पड़ती है। जिन साथियों ने इसे सहेज कर या डाउनलोड करके सुरक्षित रखा हुआ है उन्हें तो किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, लेकिन जिनके पास ये डाटा नहीं है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पिछले सत्र अर्थात 2019-20 का भरा हुआ DCF प्रपत्र कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों के पास शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको किसी मैसेज का इंतज़ार ना करना पड़े। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में जा करके udiceplus.gov.in और एक अब्लिक का जो चिन्ह होता है जिसको स्लैश बोलते हैं वो लगा करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है यूडाइस प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसमें राइट साइड में अशोक स्तंभ का चित्र भी बना हुआ है, नीचे दिखाई दे रहा है मोदी जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है, दवाई भी कड़ाई भी। उसके ऊपर जो एक नीली पट्टी है लेफ्ट साइड में होम का साइन दिखाई दे रहा है और राइट साइड में तीन लकीर दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर अबाउट अस लिखा है और उसके नीचे आप बढ़ते जाएंगे तो सातवें नंबर पर सबसे नीचे लॉगिन दिखाई दे रहा है आपको, नो योर स्कूल के नीचे आपको लॉगिन को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के नए पेज उसी के नीचे आपको खुलते हुए नजर आ जाएंगे। तीन चार पट्टियों का कलर दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपको पहला दूसरा छोड़ देना है, जो नीचे तीसरे नंबर का है लाल पट्टी के ठीक ऊपर क्लिक हियर फॉर यूडाइस प्लस 2019-20 फॉर ऑल स्टेट, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसको कि हम लॉगिन पेज भी कहते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है यूडाइस प्लस डाटा कैप्चर 2019-20। अब आपको अपना यूजर नेम यानी स्कूल का जो यूजर आईडी है उसको आपको भर देना है, के बाद आपको अपना इसमें पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको उस कैप्चे को भर देना है और कैप्चा को भर करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जैसे 2020-21 में DCF भरने के समय जो पेज ओपन होता है वैसा ही पेज ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से जो तीन आइकॉन दिखाई देते थे आपको 2020-21 भरते समय, इसमें आपको चार आइकॉन दिखाई देंगे और जो सबसे नीचे जो चौथा ऑप्शन है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, आपको इसको क्लिक कर देना है। ठीक 2020-21 में DCF भरते समय जैसा पेज ओपन होता है वैसा ही पेज ओपन हो जाएगा। अंतर सिर्फ इसमें ये रहेगा कि यहाँ देखिए स्टेटस में यहाँ सर्टिफाइड लिख रहा है और ओवरऑल स्टेटस में कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स लिख रहा है, तो बाकी जानकारियाँ तो 2021 जैसे ही दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए नीचे आपको सीरियल नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखाई दे रहा है। आपको सीधा सीधा ऊपर की ओर स्क्रॉल करते समय 42 नंबर में आपको पहुँच जाना है और 42 नंबर में पहुंचने के बाद देखिए यहां दिखाई देगा डाउनलोड फुल DCF, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो DCF है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड हो करके इस प्रकार से आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप 2019-20 का यूडाइस डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर बिना किसी बाधा के 2020-21 का DCF आराम से भर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।